कर्पूरी ठाकुर की, क्योंकि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती है। एक बार उप मुख्यमंत्री और दो बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले कर्पूरी ठाकुर राज्य की सियासत में हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय और इसका अलग जगाने वाला पहला कामयाब नेता माना जाता है, और यही वजह है सियासत में जो उनकी ईमानदार और सादगी की छवि रही, इसी वजह से उनकी विरासत से खुद को जोड़ने की होड़ हमेशा ही सियासी दलों और नेताओं में लगी रहती थी। ये कल भी लगी रहती थी और ये आज भी है। फिर याद आए अजात शत्रु, कर्पूरी ठाकुर की 57वीं जयंती, फिर छिड़ी जननायक की विरासत पर दावेदारी। बिहार की सियासत में जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। गरीबों और पिछड़ों के लिए सोचने वाले कर्पूरी ठाकुर ने कभी जाति और परिवार की परवाह नहीं की, लिहाजा उनकी विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। पिछड़ों के सर्वमान्य नेता होने के कारण तमाम सियासी दलों में उन्हें अपना बताने वालों की होड़ लगी रहती है। उनकी जयंती का मौका भी ऐसा ही है। पटना में जेडीयू के दफ्तर में स्थित कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, तो वहीं बिहार बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। हम लोगों ने बहुत पहले से किया है, जब हम विधायक थे और उनका निधन हो गया, उसके बाद से हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत कराई। और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता रहा है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता रहा है कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को उसी प्रकार का सब सम्मान हम दे देंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राप्त है, और ये काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। जो नकली लोग जो दिखाई पड़ते हैं नकली और आंसू बहाते हैं घड़ियाली और कहते हैं कि मैं तो अति पिछड़ों का तो मैं मसीहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भैया चोंगा बदलो और आओ सब सेवा करो, तभी तुमको न्याय मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा करने वाले एक दूसरे पर हमले करते ही रहते हैं। इस बार भी हालात जुदा नहीं है। महागठबंधन ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। कई लोग, कई दल के नेता कर्पूरी जी की जयंती को मनाते तो जरूर है, कर्पूरी वादी तो जरूर है, लेकिन कर्पूरी जी के सिद्धांतों को कुर्सी के लिए तार तार करते हैं। आज ये हमारे कारण, राष्ट्रीय जनता दल के कारण आज कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी भी उनको याद कर रहे हैं, यही हमारी जीत है। कुछ इसी तरह की राय एनडीए के खेमे से भी है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को भी यही लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की दूसरे दल तिलांजलि दे चुके हैं। 15 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार से रहित शासन और प्रशासन देने का काम किया है, इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसको आगे भी जनता दल यूनाइटेड जारी रखेगी। जिन लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात न किया या उनके विचारों को तिलांजलि दे दिया है, वह भी आज जो है से उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आज उनकी जयंती मना रहे हैं। जिन लोगों ने उनके नाम की रोटी खाई है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावेदारी का यह सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है। हाशिए पर खड़े लोगों के लिए अपने जीवन को संघर्ष में झोंकने वाले जननायक थे ही ऐसे, जिनकी विरासत से कोई अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना। और अब बात